अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। यू आर वॉचिंग प्रोग्राम स्ट्रीट फूड। व्यूअर्स, इस वक्त हम मुल्तान में मौजूद हैं घंटाघर चौक पे, और यहाँ पर जो पॉइंट हम डिस्कवर करने जा रहे हैं वो काफ़ी पुराना तो है, लेकिन वहाँ की मोटिवेशनल चीज़ ये है कि वो एक छोटे से ठेले से शुरू हुआ था और अब मुल्तान का एक ब्रांड बन चुका है। कहा जाता है कि उनकी बीवी जो है वो घर से मज़ेदार किस्म के खाने बनाकर अपने शौहर को दिया करती थी और वो यहाँ पर आकर उसे सेल आउट करते थे और वो ठेले पे लगाते थे दरख्त की छाँव में। लेकिन अब वो लोगों को इतना पसंद आया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो पॉइंट बन चुके हैं। हम किस पॉइंट की बात करें, आइए मैं आपको बता दूँ। जी तो व्यूअर्स, हम अपने पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और आज हम डिस्कवर करने जा रहे हैं नवीद चिकन बिरयानी। यहाँ पे बिरयानी लिखा है लेकिन है ये पुलाव, ठीक है। मैंने लाहौर भी वापस जाना है और कराची वाले भी मेरा शो देखते हैं, अगर मैंने इसको बिरयानी कह दिया तो उन्होंने कहना है भाई इसका दिमाग हो गया है खराब, ठीक है। इसलिए मैं तो भाई इसको बिल्कुल भी बिरयानी नहीं कहूंगा। तो आइए चलते हैं, इनकी स्टोरी मैंने सुना है कि काफी मोटिवेशनल है, क्या सीन है आइए आपको बता। यहाँ पे फुल गहमा गहमी लगी है और इनका सिस्टम बड़ा मजे का है कि इन्होंने एक बड़ा सा पतीला रखा है और उसके अंदर गर्म पानी रखा हुआ है और उसके अंदर दूसरा पतीला रखते हैं ताकि चावल जो है वो नीचे भी ना लगे और मजेदार किस्म के चावल जो है ना वो बनते रहे। हमारे साथ यहाँ पे सुल्तान भाई मौजूद है जो सबसे पुराने वर्कर है, उनसे जरा हम जानते हैं यहाँ की स्टोरी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप भाई? मुझे बताएं कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? ये भाई ना तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो चुके हैं जी भाई। और बताया जाता है कि ये पॉइंट बहुत छोटे लेवल से ऊपर आया है और अब ब्रांड बन चुका है, ऐसे ही है? बिल्कुल भाई। कैसे शुरू हुआ था ये? माशाल्लाह, वहाँ से किले की रेड पे लगाते थे, रेडी से किले की रेड पे आए हैं, वहाँ से फिर हम यहाँ आए। अल्लाह का शुक्र है। आप उधर से यहाँ आए? मैं उधर से ही। अच्छा, मतलब सबसे पुराने बंदे आप ही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे चिकन बन रहा है? चिकन पुलाव है, बीफ पुलाव भी हमारे पास, शामी भी है, रोस्ट पीस भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अच्छा काम है। अच्छा, तो ये सब और हमने मेहनत करी है सात सेटों के साथ मिली। ये तो बिल्कुल जी मेहनत की है इन्होंने और आज इसी वजह से यहाँ पे रश गहमा गहमी और अल्लाह ताला इंसान को उसकी मेहनत का फल बिल्कुल देता है। अच्छा, यहाँ पे ये सारा तैयार होता है? जी जी, वो कारखाना लहदा बना हुआ। अच्छा, कारखाने से तैयार हो गया? जी जी। तो कितनी देर पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है? भाई साथ साथ चलता रहते, जैसे घाक चलते हैं साथ साथ चलते रहते, देखते रहते, साथ साथ जो है वो चलता रहता। जी जी। तो कितने पतीले जो है एक दिन में यहाँ पे सेल आउट होते हैं? माशाल्लाह, काफी अच्छा काम है। रनिंग में चलते रहते हैं, जैसे गाग आते रहते हैं, बनाते रहते, काफी अच्छा काम है माशा, ठीक हो गया। अच्छा, क्या चीज स्पेशल है यहाँ की, क्या लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? भाई ज्यादातर तो हमारे चिकन चावल। अच्छा। शामी, मतलब सारा कुछ अच्छा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही अच्छा है। अच्छा, क्या 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 मसाले डालते हैं? मसाले माए अच्छे मसाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, दही भी डालते हैं, सारा कुछ होता है। अच्छा, मतलब आपने पूरी रेसिपी नहीं बतानी? पूरी रेसिपी? ओहो, जैसे वो तो पूरी रेसिपी है भाई। अच्छा, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला है और उसके अलावा हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, दही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो। ये तोल के देते हैं वजन के हिसाब से? जी जी। किस तरह है ये चावल? 180 रुपए की प्लेट है। 180 की है ये? कितने है, वेट कितना होगा इसका? ये पाव से ज्यादा ही देते हैं, वैसे तो पाव कहते हैं, हम ज्यादा ही देते हैं। पाव से ज्यादा ही होता है 180 में, और ये साथ वाली भी वही है? जी जी, 180। और एक बंदा इसको इजीली जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और शामी अगर साथ में इसके? शामी 60 रुपए की अलहदा से। अच्छा, 60 रुपए की शामी अलहदा से है, वो कौन सी है, दाल और चिकन? ये बीफ की है हमारे। अच्छा, बीफ की शामी है। चले जी, यहाँ पर चिकन चावलों का सीन तो मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पर सामने बीफ का जो सीन है वो आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। यहाँ पर बीफ जो है वो प्लाव तैयार किया जाता है और यहाँ पे गहमा गहमी लगी हुई है, लोग आ रहे हैं पैक करवा रहे हैं और ये भी किलो के हिसाब से यहाँ पे तोला जा रहा है। इनसे बात करते हैं, रेसिपी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह की। अच्छा, मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो चुके। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर जो बीफ प्लाव है किस तरह से तैयार होता है, क्या क्या डलता है? यखनी में बनता है। यखनी में बनता है, और किस तरह है यहाँ पे किलो? ये किलो 800 रुपए किलो है। 800 रुपए किलो है, और एक प्लेट जो है वो पाव होती है? जी, पाव भी है, डेढ़ पाव भी है। अच्छा, 200 रुपए पाव ये है, डेढ़ पाव।
आप अगर देखें ना तो क्या मजेदार किस्म की जो है ना, इसमें से खुशबू ये 1.5 पाव है और इसमें अगर चामी भी साथ डालें। हाँ जी, वो 60 रुपए की एक है। वो 60 रुपए की है। हाँ जी। इसमें जो है वो बोटियों का क्या हिसाब किताब है, कितना प्लेट में आती है? बड़ी प्लेट में तकरीबन 6-7 बोटियाँ होती हैं। अच्छा। छोटी में 4-5 होती हैं। ये छोटी 4-5 होती हैं। गहमा गहमी जो इस टाइम जो है ना फुल लगी हुई है, लोग आ रहे हैं। ये बड़ी प्लेट है, ये छोटी प्लेट। अच्छा, ये बड़ी है जी और ये छोटी है। ये कितने की है? ये हो गई अब 360 रुपए की। ये होगी 360 की और ये 260। ये होगी 260 की। तो चलें आइए आगे चलते हैं, आपको और गहमा गहमी दिखाते हैं। भाईजान, यहाँ की जो शामियाँ जो है ना वो भी बहुत ज्यादा मशहूर है, लोग पुलाव के साथ बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सही बना रहा हूँ भाईजान? हाँ जी बिल्कुल। चलें जी, मैंने कहा जरा मैं भी साथ इनकी हेल्प करवा देता हूँ, तो इनसे जरा जानते हैं कि यहाँ की शामी इतनी स्पेशल क्यों है। ये खास चीज है, बहुत खास होता है। साफ सुथरी है? साफ सुथरी होती है। कितने अर्से से आप यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल से, माशाल्लाह जी। ये भी इनके पुराने वर्कर हैं, इन्हें भी 20 साल हो गए हैं। मुझे बताएं कौन कौन से मसाले जो हैं इसमें डल रहे हैं? ये बड़े सेठ को पता होता है कहाँ से मंगवाता है। यार इनकी जो टिक्की है ना, मैंने बहुत सुना है कि बहुत कमाल की है, जायका बहुत लाजवाब है और रश यहाँ पे लगा रहता है चावलों के साथ टिक्की खाने का, तो एक वैसे ही मजा आ जाता है। 60 रुपए की है? हाँ जी 60 की है। क्या क्या डला हुआ है इसमें? बड़े का गोश्त और दाल है, चने की दाल है, गोश्त है। मसाले कोई बताएं यार कौन कौन से हैं, बता दें कोई। हमें पता नहीं है। नहीं पता, पक्की बात है। चलें जी, इनको भी मसाले जो है वो नहीं पता, बिल्कुल जो है वो सीक्रेट है, इनकी रेसिपी है। तो मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं, ज़रा खुद भी टेस्ट करते हैं। लोगों से तो बहुत तारीफ़ें सुननी है, जब तक मैं खुद नहीं खाऊंगा भाई मैं तो नहीं मानूंगा। ठीक है, आप लोग भी आके ट्राई कीजिएगा। तो आइए ज़रा मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब ना सिर्फ हम आते हैं बल्कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज बच्चे नहीं हैं साथ, वरना बच्चे मेरे बेटे दोनों, अब माशाल्लाह 11 साल का बेटा है, वो भी मेरे साथ आते हैं, उनके भी ये पॉइंट फेवरेट है इस वक्त। मीट का जो सप्लायर है वो भी खुद है, ये प्रोडक्शन इनकी अपनी है, और बीफ की जो इनकी सप्लाई है खुद जानवर परचेज करके करते हैं, तो हाईएस्ट क्वालिटी इनका बीफ होता है। इनका बीफ पुलाव भी बहुत अच्छा है, चिकन पुलाव बहुत अच्छा है, शामी आउट क्लास होती है, बीफ शामी होती है, और ये मियार में समझौता नहीं करते ये जी। हमें 20 साल पहले भी वही टेस्ट मिल रहा है, आज भी वही टेस्ट। सीधा यहाँ पे जो है खाने के लिए है, यहाँ पे जो है एक तो सस्ता भी मिलता है और स्पेशल बिरयानी, और इसके अलावा जो है शामी कबाब, हर चीज़ एक प्लेट में जो है अच्छा खासा गुजारा हो जाता है एक बंदे का। 4 नानवे के बाद सेकेंडली मुल्तान की टॉप जो है ना ये नवीद बिरयानी है। मोस्टली जितने भी ऑल ओवर पाकिस्तान आते हैं या आउट ऑफ कंट्री से भी सियाह आते हैं, वो मोस्टली यहाँ पे आके लाजमी दोपहर का बिरयानी यहाँ पे लाजमी खाते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे साथ जो है वो नवीद साहब मौजूद हैं, यहाँ के ऑनर भी हैं। उनसे हम जानते हैं यहाँ की स्टोरी, क्योंकि मुझे पता लगा कि यहाँ की स्टोरी जो है वो काफी मोटिवेशनल है। कई सालों की मेहनत है और उसके बाद जाके अल्लाह ताला ने आज यहाँ पे जो इतना बरकत जो है वो इनकी मेहनत का फल है जो इन्हें मिल रहा है। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट को अर्सा कितना हो गया? ये 1973 में मेरे अब्बू ने स्टार्ट किया था रेडी से। अच्छा, रेडी से स्टार्ट किया। मेरी वालदा बनाकर देती थी खाना। अच्छा, तो फिर ये सेल होता था। आपकी वालदा की रेसिपी है? मतलब मेरी वालदा की रेसिपी है। मतलब कि यहाँ पर जो है वो हमें वो स्टोरी नजर आ रही है कि जो एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो पता चल रहा है कि किस तरह से इनकी वालदा जो है वो घर में बनाती थी और उसके बाद जो है वो दिया करती थी और वो रेडी पे लाके उसे सेल किया। रेडी पे लाके सेल। अच्छा, किस पॉइंट पे? यहाँ से? नहीं, हम सामने पीपल के दरख्त के पास माल लगाते थे मेरे अबू रेडी। अच्छा। रेडी से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होते गए, हालात चेंज हो गए यहाँ के, तो फिर लगभग ने ये जगह दे दी है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। दरख्त के छाऊ में पीपल के दरख्त के नीचे लगाते रहे और लोगों को पसंद आया। स्टार्टिंग में क्या चीज थी, कौन सी? स्टार्टिंग में शामी कबाब लगाए थे, शामी कबाब और वो रोटी वगैरह, बस शामी कबाब और रोटी होती थी साथ। और ये चावल कब से जो है? चावल 1996 में शुरू किया। अच्छा, 1900 यानी के तकरीबन उसके 12-13 साल बाद? नहीं, 23 साल के बाद। 23 साल के बाद। अच्छा,
23 साल के बाद जो है वो तकरीबन चावल जो है वो शुरू किए, और अब लोग चावल ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोनों चीजें हमारी फेमस है, दोनों फेमस है। आपको कौन सी ज्यादा पसंद है? मैं शामी ज्यादा शौक से खाता हूँ। अच्छा, शामी ज्यादा जोर से खाते हैं। शामी जो है वो ज्यादा शौक से खाते हैं। तो ये अभी भी घर में तैयार होता है या अब यहाँ पे ही सारा कुछ होता है? अब इसकी रेसिपी घर में तैयार होती है, काम अब कारीगर करते हैं। काम कारीगर करते हैं, रेसिपी मैं खुद तैयार करता हूँ। अच्छा, सही सही सही। तो ये जो है वो आपकी फैमिली में भी लोग इसको पसंद करते हैं काफी? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कौन कौन सी फेमस शख्सियात जो है वो यहाँ पर आके यहाँ के चावल वगैरह खाती है? यहाँ की जो मुल्तान की जो है ना, मोस्टली जो ब्यूरोक्रेसी है वो आते हैं खाना खाते हैं यहाँ पे। अब मुल्तान के मोस्ट फेमस लोग हैं जलालुद्दीन रूमी वगैरह, उनके घर में भी खाना जाता है हमारा। और फैसल मुख्तार साहब हैं इधर, जिले नाजिम में रह चुके हैं, और बहुत मोस्टली जो है ना अमीर आदमी है, उनकी फैमिली में भी जाता है खाना। उलमाए कराम भी बहुत खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब मजहबी तबका बहुत पसंद करता है। उसकी एक वजह है, पहले तो अल्लाह ताला का फजल है, दूसरा ये है कि इसके अंदर बाजार की कोई चीजें नहीं डाली हुई है, यानी इसके जो मसाला जाते हैं वो हमारे अपने खुद तैयार करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी पता लगा कि जो मीट गोश्त जो है वो आपने अपना फार्म बनाया? जी जी, हमने अपना वो फार्म नहीं बनाया हुआ, हमने स्लॉटर हाउस बनाया हुआ है। बाजार से मंडी से हम जानवर ले आते हैं और अपना कटिंग करते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि कितने जानवर एक दिन में लग जाते हैं? हमारे असल में 2 दिन में 3 जानवर लगते हैं। 2 दिन में 3 जानवर, और कितने पतीले चावलों के जो है रोजाना सेल आउट हो जाते हैं? ये हेडन अल्लाह का बहुत फजल है, फिर भी कोई अल्लाह का बड़ा एहसान, अलग एहसान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें जी, अल्लाह ताला आपके रिश्ते में बरकत डाले। और यहाँ पे जो है वो रश आज भी लगा हुआ है, अभी भी लोग आ रहे हैं। इतने साल गुजर गए हैं, तो एक चैलेंज होता है कि वो टेस्ट बरकरार रखना, तो वो टेस्ट किस तरह से बरकरार रखा हुआ है? मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि अल्लाह ताला का फजल है, जब अल्लाह पाक इज्जत नवाजते हैं तो अल्लाह पाक क्वालिटी भी पैदा कर देते हैं। सेकेंड ये है कि मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे अबू की दुआ बहुत ज्यादा है मेरे साथ। दूसरा ये कि मैंने बदनीयती नहीं की कभी जिंदगी में, किसी को धोखा नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जो है ना इनकी कामयाबी का राज हमें पता लग गया है कि क्या है। तीनों चीजें जो इन्होंने बताई हैं वो बहुत जरूरी हैं, हम सबको उस पर अमल करने की जरूरत है। माँ बाप का एहतराम करें, इज्जत, उनकी दुआएं हमारे साथ है, तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। और इन्होंने जो है वो ईमानदारी के साथ काम किया है। जब आप दिल लगा के रिस्के हलाल के लिए कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए यकीनन दरवाजे खोलते हैं, और आज यहाँ पर ये एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो मेरे ख्याल से आइए, जो इतनी गहमा गहमी लगी हुई है, लोग इतने पसंद कर रहे हैं, तो हम भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो आइए मेरे साथ। तो व्यूअर्स, हमारा जो है वो पुलाव आ चुका है, और एक चीज जो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग थी वो थी ये नली, आप देख रहे हैं। आहा हा, क्या जो है ना इधर मिक्स जो है वो नली हुई है, फुल गर्मा गर्म है। और मैंने अभी तक जितना देखा था, मुझे नहीं पता था कि इनके पास नली भी मौजूद है। ठीक है, ये जरा कुछ स्पेशल सीन अब हो गया है। तो मेरे ख्याल से हम बीफ से ही जो है वो ट्राई करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो भाई हम अंदर से नली जो है वो निकालते हैं। ओहो हो, चम्मच अंदर ही जाएगा, इसको हम इधर से ऐसे करके डाल के। आहा हा हा भाई, हैवी लग रहे हैं ये, बहुत कमाल के चावल लग रहे हैं। हम ये आप देखें जी, फुल गर्मा गर्म नली, और अंदर बीफ जो है वो डला हुआ है। थोड़ा सा यहाँ से हम रायता भी लेते हैं, ये मिक्स करके थोड़ी सी ये हमारी बोटी आएगी। ऊपर हम रखेंगे ये गर्मा गर्म नली। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, ये आ गई नली। बिस्मिल्लाह, आउटस्टैंडिंग। यार क्या जबरदस्त किस्म का टेस्ट है, और वो चावल पूरे यखनी के अंदर जो है ना वो बने हुए हैवी है भाई। और इनका जो है बीफ वगैरह सारा इनका अपना है, मीट क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो है भी यार, यार
नली के साथ खाने का तो एक अपना ही एक अलग ही लेवल है। ये तो पुलाव अमेजिंग है। ये ज़रा जो इनकी है टिक्की, इसके साथ भी ज़रा ट्राई कर लेते हैं। ये भी बेसिकली बीफ की टिक्की है, दाल और बीफ से मिलके जो है इसको बनाया जाता है। मैं भी शायद ये वो टिक्की हो जो मैंने बनाई। यार टिक्की के अंदर कोई मसाले बहुत तेज़ किस्म के नहीं है, ठीक है, वो फुल क्रिस्पी सी है और उसका एक फ्लेवर आ रहा है ना जो हैवी, यार जालिम चीज़ है कि अंदर जो उसका जो बनता है ना मीट बीफ का जो वो अंदर यखनी सी बनती है उसके अंदर वो पूरी तरह बना हुआ है जो कि लाजवाब है। तो मेरे ख्याल से चिकन के साथ भी ज़रा थोड़ा हाथ साफ करते हैं। वाह जी, ओहो यार चिकन भी बहुत सॉफ्ट है, बोटी मैंने ऐसे ही की है तो वो टूट के हाथ में आ गई है। थोड़ा सा ज़रा रायता डालते हैं इसके ऊपर, ज़रा थोड़ा सा सैलड शैलड भी बाइट होने लगी है। लेकिन सच बताऊं बीफ का जो वो यखनी के अंदर बना हुआ जो टेस्ट आ रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, वैसे लोगों को यहाँ का चिकन जो है ना वो ज़्यादा पसंद आता है। इतना पुराना पॉइंट है, उन्होंने अभी तक टेस्ट मेंटेन करके रखा हुआ है, तभी लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और इस टाइम यहाँ पे इनका पीक टाइम चल रहा है, रश लगा हुआ है, 1 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे तक यहाँ पे रश लगा रहता है, लोग आते हैं खाते हैं, बहुत से लोग पैक करवा के लेके जाते हैं और टेस्ट तो वाकई भाई आउटस्टैंडिंग है। जी तो व्यूअर्स, आज हमने मुल्तान का एक बहुत ही डिलीशियस और एक बहुत ही यूनिक पॉइंट डिस्कवर किया जो कि कमाल था, क्योंकि यहाँ की स्टोरी काफ़ी मोटिवेशनल है। किस तरह से यहाँ पर देखा कि इनकी वालदा जो है घर से बनाकर इनको दिया करती थी और इनके वालिद साहब एक दरख्त के नीचे रेडी लगाकर उसको सेल आउट किया करते थे और लोगों को वो इतना पसंद आया कि आज ये मुल्तान का एक ब्रांड बन चुका है, लोग आते हैं खाते हैं। और मज़े की बात यह है कि टूरिस्ट के लिए जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं उसमें भी कहा जाता है कि आप यहाँ पर आएँ, मज़ारात वगैरह का विज़िट करें, उसके बाद यहाँ के चावल लाजमी खाएँ। तो यहाँ के वाकई चावल लाजवाब में, आप लोग भी आएँ तो ज़रूर खाइएगा। अब प्राइसेस की बात करते हैं, चिकन ताओ यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाता है 240 का, अगर हम बीफ की बात करें तो वो 300 के अराउंड मिल जाएंगे। और अगर जो मैंने फुल प्लेट जो है वो ट्राई की है और जो मील मैंने इंजॉय किया है अगर उसकी बात करें तो वो आपको यहाँ पे 700 में मिल जाएगा। यानी कि जो इंटरनेशनल व्यूअर्स है वो यहाँ पर आकर इसे इंजॉय करना चाहते हैं तो इन जस्ट $3 में आप उसे खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से लंच के लिए $3 कुछ भी नहीं है, जो जायका है वो कमाल है। तो ज़रूर आइएगा, विजिट कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट जो आपका फेवरेट और आप चाहते हैं कि हम वो भी विजिट करें तो सोशल मीडिया पे जाके हमारी टीम के साथ वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारी टीम इंशाल्लाह वहाँ पर भी ज़रूर पहुँचेगी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने होस्ट दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।